वाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की रॉ यानी कि दोस्तों 21 मार्च के मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG वैसे आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली। इसके अंदर दोस्तों हम 21 मार्च की मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं, जहां दोस्तों रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार्स की खबरें शामिल। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम मंडे नाइट रॉ की। तो गाइस 2 हफ्ते बाकी है रेसलमेनिया को होने में और रॉ इस बारी की काफी ज्यादा धांसू होने वाली। इस बारी की रॉ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगी सुबह सवेरे सोनी नेटवर्क के चैनल्स के ऊपर, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 से 4 बड़े सेगमेंट कंफर्म किए हैं। मेन इवेंट दोस्तों अपने आप में काफी ऊंचे दर्जे का है, जहां गाइस बात की जाए शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी कल के मंडे नाइट रॉ की हमारी आरके ब्रो की एंट्री के द्वारा। आरके ब्रो दोस्तों रिंग के अंदर आकर कॉल्ड आउट करने वाली है अल्फा एकेडमी वालों को, सिंस हम लोग जानते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस आरके ब्रो होना है रेसलमेनिया में, लेकिन अब इसमें चैड एंड ओटिस भी घुस चुके हैं। लास्ट वीक उन्होंने धावा बोला था आरके ब्रो के ऊपर, ऐसे में वो उन्हें कॉल्ड आउट करते हुए नजर आएंगे। अंततः दोस्तों ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, चैड एंड ओटिस वहां दोनों टीम्स को चैलेंज करने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगी वो है गाइस हमारे केविन ओवेंस का मॉक करना स्टीव ऑस्टिन को। तो जैसे दोस्तों स्टीव ऑस्टिन बियर पीते हैं, वैसे ही दोस्तों जो हमारे अपने केविन ओवेंस है कल मेरे हिसाब से दूध पिएंगे। दरअसल दोस्तों बताया ये जा रहा है कि केविन ओवेंस वर्सेस स्टीव ऑस्टिन एक मैच होगा बजाय दोस्तों एक शो के, क्योंकि गाइस हाल ही में जो डे मेल्जर उन्होंने ये चीज बताई है कि जो हमारे ऑस्टिन है वो एक ग्रेट शेप में है और लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। दैट मींस उन्हें वहां टी शर्ट उतारने की जरूरत पड़ेगी, और क्यों पड़ेगी? ऑब्वियसली दोस्तों टी शर्ट तभी सुपरस्टार उतारता है जब वो मैच लड़ता है, और गाइज ये शो एक मैच में तब्दील हो जाएगा और कल हमें जो केविन ओवेंस है उन्हें मॉक करते हुए नजर आ सकते हैं और पी सकते हैं बहुत सारा दूध। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ में वो रहेगी दोस्तों डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर का फेस टू फेस एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो गाइज फेस टू फेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कल हम लोगों को देखने को मिलेगी इन दोनों के मध्य, क्योंकि गाइज US चैंपियनशिप दाव के ऊपर होने वाली है। बताया ये जा रहा है फिन बैलर वहां डिफेंड जरूर करेंगे और 2 हफ्ते से वो डेमियन प्रीस्ट के साथ ही राइवलरी में, ऐसे में दोस्तों हम कल इनका फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। चलते थर्ड लास्ट थिंग के ऊपर। तो थर्ड लास्ट थिंग जो कि कल के मंडे नाइट रॉ में हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस सेथ रॉलिंस का प्रोमो। सेथ रॉलिंस दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में एक सैड प्रोमो काट सकते हैं। हमें चीज देखने को मिल सकती है कि या तो सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आकर ये चीज कहेंगे कि रेसलमेनिया में उनके लिए कोई भी मैच नहीं है और वहां वो ओपन चैलेंज डालने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि कल ही के कल दोस्तों कोडी रोड्स का रिटर्न हो जाए। एज पर रिपोर्ट्स कोडी वर्सेस सेथ हो रहा है रेसलमेनिया में। अब क्या रेसलमेनिया के लिए WWE सरप्राइज बनाकर रखेगी, बचाकर रखेगी, या फिर कल के कल कोडी आ जाएंगे, ये चीज रिवील्ड होगी। चलते हैं अपने सबाय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। सबाय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि प्रोबेबली मेन इवेंट में भी रखा जा सकता है वो है AJ स्टाइल्स का रिटर्न। तो AJ स्टाइल्स 2 हफ्ते बाद अपना रिटर्न करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते से दोस्तों घर पर बैठे हुए थे, क्योंकि सब लोग जानते हैं 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। एज ने हील टर्न किया था उनके ऊपर, चेयर से एक के बाद एक बहुत सारे शॉट्स लगाए थे उनके, और तब से लेकर अभी तक हमने नहीं देखा है AJ स्टाइल्स को। कल दोस्तों वो एज की आकर गंदी धुनाई कर सकते हैं। AJ स्टाइल्स का दोस्तों एज को पीटना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि एज दोस्तों खुद को बता रहे हैं कि वो किसी शिखर पर बैठे हुए हैं और उन्हें लोग चींटियों के समान दिख रहे हैं। कुल मिलाकर AJ स्टाइल्स एंड एज की होने वाली कल तगड़े वाली गुत्थमबाजी। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का प्रोबेबली रखा जा सकता है वो है ब्रॉक लेसनर की स्टेटमेंट। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं कल की मंडे नाइट रॉ में। ब्रॉक लेसनर दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन में रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए थे, लेकिन रोमन रेंस उनके चंगुल से भाग जाते हैं। सब लोगों ने देखा कि सिर्फ दरवाजा गाड़ी का रह जाता है लेसनर के हाथ में, तो ऐसे में लेसनर गुस्सा तो बहुत होंगे। और कल की रॉ के अंदर दोस्तों हमें उनका एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर वो रोमन का ब्लड बहाने की बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में, बहुत सारे रिटर्न पॉसिबल है। साथ साथ दोस्तों देखने को मिलेगा हमारे अपने लेसनर का प्रोमो जो कि दोस्तों 50% है। चलते हैं अब इस वीडियो के सही टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा जुड़ा खबरों से। और सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने कोडी रोड से। तो कोडी रोड के ऊपर दोस्तों एक और कंफर्मेशन आ चुकी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कोडी रोड्स की एक बहन है जिनका नाम दोस्तों टाइल रोड्स है, उन्होंने दोस्तों ये चीज लिखी है, आई नो माई ओल्ड
man best and I know he would be beaming with pride if he could see what's next. यानी कि दोस्तों वो बात करें अपने बाप की, साथ साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं बाप के साथ कौन है, कोड़ी है, यंग कोड़ी है। और जो ये मतलब है दोस्तों उनके कैप्शन का, वो ये बता रहा है कि उनके पिताजी बहुत ज़्यादा प्राइड से फूले हुए होते, या फिर कह लीजिए उनका जो सीना है वो प्राइड से तना होता अगर वो देखते कि आगे क्या होने वाला है। तो कोड़ी दोस्तों डब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले हैं और एक तरीके की कंफर्मेशन उनकी बहन ने भी दे दी है। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी है वो जुड़ी है एनएक्सटी के ब्रॉक लेसनर से, जिसने हाल ही में एक फैमिली को डरा दिया। एनएक्सटी में दोस्तों हार्लैंड है, जिन्हें कहा जाता है कि ब्रॉक लेसनर के जैसे दिखते हैं, लेकिन अब उन्होंने बाल कटा दिए हैं। हाल ही में दोस्तों हार्लैंड के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जो कि काफ़ी हास्यास्पद है। हार्लैंड दोस्तों काफ़ी लंबे और काफ़ी चौड़े सुपरस्टार है। हाल ही में दोस्तों हार्लैंड जब एक लिफ्ट में गए तो जब उन्होंने देखा सामने उनके सात लोगों की फैमिली आ रही है, तो वो फैमिली हार्लैंड को देखकर इतना डर गई कि फिर उन्होंने स्टेयर्स पकड़नी सही समझी, सीढ़ियों से गई वो फैमिली, क्योंकि वो डर चुकी थी कहीं हार्लैंड उन्हें एलिवेटर में ना धर दबोचे। तो हार्लैंड ने दोस्तों स्टोरी जो है हाल ही में शेयर की अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, पता चलता है वो कितने भयावह सुपरस्टार है एनएक्सटी में। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के प्रेमियों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन दोस्तों बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, हिस्ट्री के पहले सुपरस्टार वो बनने वाले हैं जो कि दोस्तों लाएंगे सारी सारी बेल्ट्स रेसलमेनिया में। तो गाइस इससे पहले रैंडी ऑर्टन WWE चैंप रहे हैं, हेवीवेट चैंपियन रहे हैं, लेकिन यहां दोस्तों एक यूनिक सा रिकॉर्ड वो बनाने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन दोस्तों पहले रेसलर होंगे रेसलमेनिया में जो कि एज ए टैग टीम चैंपियन, WWE चैंपियन, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एंट्री लेंगे। यहां दोस्तों वो बन चुके हैं वो पहले सुपरस्टार और बन जाएंगे इस आने वाले अप्रैल मंथ में। तो गाइस रैंडी ऑर्टन को सैल्यूट है, सारी सारी चैंपियनशिप्स उन्होंने रेसलमेनिया के बड़े स्टेज पर लाई। और चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों बियांका ब्लेयर से। गाइस मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया कि बैकी एंड बियांका का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों कल बियांका आएगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली बैकी वहां कोई प्रोमो वोमो सा काटेगी। बियांका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कल से नहीं बल्कि एक और शो से गायब हो चुकी है, इतना ही नहीं वो लाइव इवेंट से भी गायब हो चुकी है। बियांका ब्लेयर दोस्तों इंजर्ड बताई जा रही है, मैंने आपको बताया था। बियांका ब्लेयर पर WWE वालों ने यह अपडेट दी, बियांका ब्लेयर इज अनेबल टू अटेंड द क्रिकेट नेशन मीट एंड ग्रीट ऑन दिस मंडे, दैट्स व्हाई द मिज इज कमिंग। दो यहां दोस्तों उन्होंने साफ साफ ये चीज बता दी है कि बियांका ब्लेयर को द मिज जो है वो वहां रिप्लेस करेंगे और उस मीट एंड ग्रीट में बियांका नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों बियांका को थ्रोट पर इंजरी आई थी जो चेयर शॉट मारा था बैकी ने, और गाइस स्टोरी लाइन कुछ ऐसी खेल रही है कि एंड मोमेंट पर वो रेसलमेनिया में एंट्री मारेगी, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों गेबल स्टीवसन से। तो गेबल स्टीवसन के बारे में मैंने आपको बताया कि WWE वाले इन्हें वरुण तो ह्यूज पुश देगी हिस्ट्री का। और गाइस गेबल स्टीवसन NCAA चैंप बन चुके हैं, सेकंड टाइम बन चुके हैं, हाल ही में उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की है और इससे पहले ओलंपिक भी वो जीते थे। और WWE वाले इन्हें पुश देने वाले हैं, और कब इनका डेब्यू होगा बहुत से लोग पूछ रहे थे, जवाब आ चुका है। दरअसल हाल ही में दोस्तों गेबल स्टीवसन ने एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट कर दिया। ये ट्वीट कहता है ऑल्सो आई विल बी एट रेसलमेनिया, यानी कि दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया इट्स टाइम, यानी कि ये समय है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि चीजें स्पॉइल होगी तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन स्टीवसन दोस्तों रेसलमेनिया का पार्ट होने जा रही चीज हो चुकी है कंफर्म। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से, जिन्होंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर ले लिए ह्यूज शॉट्स और साथ ही साथ दिखाई है अपनी ट्रेनिंग वीडियो। तो ट्रेनिंग वीडियो WWE वालों ने देर रात अपलोड की रोमन रेंज की, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर रोमन रेंज दोस्तों बहुत सारी एक्सरसाइजेस जिम में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चीज कह रहे हैं रोमन रेंज, ये चीज कह रहे हैं व्हाट इज गॉड मोड। गॉड मोड तब होता है जब बंदे का IQ 200 का होता है और वो वर्ल्ड क्लास एथलीट होता है। देखो जितने भी साल रहे मैंने खुद को बेहतर किया है और मेरी मेहनत वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ पाया हो मेहनत के दम पर। जिम में मारता हूं क्योंकि जिम मुझे अक्नॉलेज नहीं करता, मुझे जिम को अक्नॉलेज करना पड़ता है। यहां पसीना बहाऊंगा तभी किसी को हरा पाऊंगा। रही बात मेरे मैच की जो कि रेसलमेनिया में होने वाले लेसनर के खिलाफ, तो मैं कहूंगा मैं स्मार्ट शार्क हूं। मैंने लेसनर को पूरे तरीके से एनालाइज किया है, मेरे पास उसके खिलाफ एक बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा दिमाग उसे तेज चलता है, उसका दिमाग किसान का दिमाग है, वो सोचता है
कि वो कुछ बड़ा चेंज लाएगा, कुछ रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन हाँ वो रिकॉर्ड बनाएगा इसमें कोई भी सच नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड मेरा होगा, वो इस रिकॉर्ड में मेरी हेल्प करेगा, सपोर्टिंग प्लेयर के भांति वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट बनाएगा। 6 बारी मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। रही बात इस बारी की, तो इस बारी लेसनर को फेस कर रहा हूँ, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होगा एंड आई एम रेडी, लेट्स गो। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंज तैयार है, अब देखना होगा दोस्तों कि क्या कुछ वहां होता है, आप किसे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।